मैं और जादू वो भी बुलबुलों से। बेटा सास बहू ड्रामा देखना कम कर दो तुम। ओ हेलो, मैं कोई सास बहू ड्रामा नहीं देखता, मैं सिर्फ सलमान भाई की पिक्चर ही देखता हूँ, इसलिए मुझे बेवकूफ बनाना इम्पॉसिबल है। देखो तुम्हारे हाथ में अभी भी वो बुलबुले वाली मशीन है। हाँ तो है, बिल्कुल है, इसमें गलत क्या है, मैं इन बुलबुलों से बच्चों का मनोरंजन करता हूँ और इसकी तरह लड़ाई झगड़ा और मारपीट नहीं करता हूँ मैं। ओ हेलो, मैं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता, मैं रक्षा करता हूँ भारत नगर की। ओहो हो हो, बड़े बालवीर हो तुम। बालवीर नहीं पर सलमान भाई जैसा बॉडीगार्ड हूँ। वैसे मैं बता दूँ बालवीर कौन है, ऐसा ही है जैसे परियां और सांता क्लॉज कौन है, क्योंकि ना परियां होती है ना बालवीर। बिना उत्तराधिकारी मिले जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं मेरी चिंता और बढ़ती जा रही है। तिमनासा ज्यादा दिन चुप रहने वाली नहीं है, वो हम पर हमला करे इससे पहले हमें उसकी ताकत, उसकी कमजोरी और उसकी मंशा हर चीज के बारे में पता करना चाहिए ताकि हम उसके लिए तैयार रह सके। तिमनासा का सही समय आने पर सही सबक सिखाएंगे बालपरी, लेकिन उसके लिए बालवीर का उत्तराधिकारी मिलना बहुत जरूरी है। बालवीर में अभी इतनी शक्ति नहीं है कि वो तिमनासा का सामना कर सके। पृथ्वी लोक में छिप छिप के, काल लोक के लोगों से बच बच के बालवीर और परियों के लिए एक एक दिन बिताना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। जब मिलता है मेरी मुश्किलें बढ़ाता रहता है ये लड़का। एक बात याद रखना मिस्टर, विवान के मोहल्ले में फालतू गिरी कैन बी इंजीरियस टू योर हेल्थ, मतलब ये तुम्हारी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। सॉरी लेकिन आप दोनों में से पुलिस वाला कौन है? ए, क्या कॉमेडी करते रहे, इतना छोटा बच्चा कभी पुलिस वाला होता है क्या? मैं कानून है इंस्पेक्टर गिरपड़े, और गिरपड़े के होते हुए ये मोहल्ले में कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। कर ले, वो कौन है जो इलायची में बिरयानी मिलाता है? आप लोग बिरयानी में इलायची मिलाता है? अंकल, एक मिनट, मैं अभी साबित कर सकता हूँ कि ये झूठ बोल रहा है और यही जादूगर है। अंकल सर आप अपने ईयरफोन्स पहना दो और मैं अपने कान में सुई डालता हूँ, अब बुलाओ तुम हमारे सामने अपने मुंह बुलबुले, अब देखते हैं कितना मनोरंजन होता है। इस लड़के ने तो फंसा दिया। अब क्या करूं? पर सब बच्चे तो ठीक है, देखो खेल रहे हैं। तो फिर डर किस बात का पार्टनर, बुलबुले से भी खेल लेंगे, उड़ाओ अपने बुलबुले। अब क्या होगा, बालवीर ने सबके सामने बुलबुले उड़ा दिए, हमारी तो पोल खुल जाएगी। क्या हुआ पार्टनर, दिखाओ अपने बुलबुले का जादू। कहाँ फंस गया, इस लड़के की बातें कहीं कोई कालोक वाला ना सुने। तकरूर। बोलो भैरानी। धरती पर मेरे जाने का वक्त आ गया, समय आ गया है बालवीर के खत्म होने का, ब्रह्मांड में तिमनासा के राज करने का। हाँ
चल जाएगा कि हम परियां हैं और ये मनुष्य हमें मेले में बैठा देंगे, हम पर टिकट लगा देंगे और सबको कहेंगे कि देखो देखो 10 रुपए में परियां देखो। मस्ती भरी क्या रे बोरा, कितना टाइम लेता है, उड़े ना बुलबुले। क्या हुआ पार्टनर, सांसें खत्म हो गई? चलो चलो उड़ा बुलबुले। हेलो, नहीं 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 परी, नहीं नहीं चिकना मत परी, अंकल क्या कर रहे हो? अरे अचानक हवा कहाँ से आई? अचानक कितनी तेज हवा कैसे चली? कुछ तो पक्का गड़बड़ चल रही है यहाँ। अरे क्या है, उड़ो ना बुलबुले। उड़ा नहीं पड़ेंगे बुलबुले, ये बच्चा मुझे मुसीबत में डाल के ही रहेगा। अंकल अब देखना, सारे बच्चे कैसे खींचे चले आएंगे और सारे बड़े सो जाएंगे। अच्छा कैसे? वो हुआ यूं कि जैसे ही वायु परी छीकी, लोग हिले। अरे अरे तो हमें मौका मिल गया। तभी ध्वनि परी ने पानी में से ध्वनि निकाली और मैंने जादू। अरे बाप रे, देखो 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 कितने सारे बच्चे आ गए खींचे मेरे पास, और वो देखो सब बड़े सो भी गए। छोटू अब तो कान में से रोई निकाल लो। ये तो चलो नादान बच्चा है, आप तो समझदार है और पुलिस वाले भी, आप कैसे इसकी बातों में आ गए? कुछ तो गड़बड़ कर रहा है तू, और ये मैं साबित करके ही रहूंगा। अच्छा तो आपने मेरा जादू देख लिया हो तो मैं चलूं? एक मिनट, अरे ये क्या कर रहे हैं आप? चल अरे लेकिन मुझे दे दो। अरे वाह, एकदम बढ़िया चॉइस है आपकी जहर के मामले में। लाओ 42 रुपीस ओनली, दे दो। रुपीस? ये क्या होता है? अरे भाई सुबह से कोई मिला नहीं क्या मजाक करने के लिए? फ्री में तो मैं किसी को पत्थर भी डाल दूं, जहर तो बहुत बड़ी चीज है। शाबाश, ये तो तुमने दे दिया 500 रुपीस, बाकी ब्याज के 25 रुपीस। अरे अच्छा ठीक है, बाद में दे देना।
अरे वाह, ये हुई ना बात, ये लीजिए, खुले देता हूं अभी। अरे ये तो मेरा पर्स है। ये लीजिए आपके खुले। खुले लिए बिना ही चला गया। अरे गिर पड़े जी, मेरी गलती क्या है? आपने मुझे हथकड़ी क्यों पहनाई है? तो कुछ करने का वेट करूं क्या? हाँ, क्या कर रहे हो मोहल्ले में? नाम क्या है तेरा? अरे मेरा नाम देव है, मैं एक पीटी टीचर हूँ। आपका भारत नगर मुझे बहुत पसंद आया, सोच रहा था यही घर लेके रह लूं। और सोसाइटी के बच्चों को मैं कसरत भी सिखा दिया करूंगा। कसरत नहीं, ये बच्चों को मार पीटा ही सिखा देगा। नहीं नहीं, इसे लड़ाकू अकेले लड़के को हम मकान नहीं देते मोहल्ले में। हाँ हाँ हाँ। और नहीं तो क्या है, एक तो अकेला लड़का, ऊपर से जमाना इतना खराब है, पता नहीं क्या बदमाशी करे। है जी जी, ये साड़ी देखो, हम यूएसए से मंगाए हैं ऑनलाइन, पूरे 50,000 रुपया की है। कैसी है? अरे अरे, बहुत अच्छी साड़ी आपकी, आप पे बहुत जच रही है। और मैं कह देता हूँ, मैं यहाँ अकेला नहीं रहने वाला, मेरे साथ मेरी बहनें भी रहने वाली है। बहने? किधर है बहने? मुझे बहने दो, मुझे बहने दो। ये मेरा फेवरेट गाना है। गाना? आ जाओ बहनों। ये है मेरी पहली बहन दीक्षा। मैं म्यूजिक टीचर हूँ, मोहल्ले के सारे बच्चों को मैं सुरीला कर दूंगी। मेरी दूसरी बहन पायल। मैं पेंटिंग करती हूँ, मोहल्ले के सारे बच्चों में रंग भर दूंगी। और मेरी तीसरी बहन विधि। मैं हूँ पर्यटक परिदर्शक, है? अब सिर्फ शहर का नहीं, देश का कोना कोना तक जानती हूँ मैं। और मेरी चौथी बहन चौथी कहाँ है, कुट है? अच्छा यहाँ जी। आप पढ़ाई कराने के मामले में थोड़ी सख्त हूँ, लेकिन मेरे रहते पढ़ाई पर से कोई ध्यान नहीं हटा सकता। वाह वाह वाह, चंगले चंगले। और मेरी आखिरी बहन पांच आखिरी, येरी येरी बहन। और मेरा नाम है मेघा। वो क्या है कि पढ़ाई के साथ साथ खेल मस्ती भी तो होनी चाहिए, है ना? और वो करना मुझे बहुत अच्छे से आता है। वाह वाह वाह, सुंदर सुंदर। वाह वाह वाह, क्या बात है देव, क्या बात है, सारे कॉलेज को उठाकर फिर घूम रहा है। हो गई बहने की, और भी कोई बाकी है? डाल ना, डाल डाल। खैर, शेयर 1411 है सिर्फ। हाँ? काय बोल तू इस? अब दो अलग बातें। शेर? हाँ। लायन लायन अभी। अरे लेकिन गिर पड़े भैया जी, कॉलेज में मार पिटाई की क्लास खोल ली तो है? लड़का तो लड़ाका है ही, हम सबने देखा है, क्यों? और लड़कियां भी लड़ाकी निकली तो हाय हाय, एकदम साची बात हो। नहीं नहीं, तुम लोगों को ना यह मकान नहीं मिल सकता, हमारे बिचारे शरीफ सीधे साधे बच्चे बिगड़ गए तो। हाँ विवान, तुझे हो क्या गया है? इतना शक करना कहाँ से सीख गया तू? कभी मिश्रा अंकल पे शक करता है और कभी से यहाँ पर जादूगर दिखने लगता है। ओलो, मैं कोई बिना वजह के शक नहीं करता हूँ। कुछ बड़ी गड़बड़ चल रही है भारत नगर में, पर ना तुम ही बताओ, तुम सब एक साथ गार्डन में कैसे पहुंचे? ओ गॉड, आई हेट दिमाग पे स्ट्रेस डालना, और अगर मैं ट्राई भी करूँ तब भी मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है कि हम उस पार्क में पहुंचे कैसे। वही तो,
मैंने तुम लोगों को कितनी आवाज दी लेकिन कोई मुड़ा ही नहीं मेरी तरफ। क्यों? क्योंकि उस लड़के ने तुम लोगों पर जादू किया था। जादू। फंस गए, अब कैसे रहेंगे यहाँ पर? हम जैसी इतनी प्यारी प्यारी लड़कियों को लड़ा के कहा? ये तो बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। अपना दिल मत दुखाओ मेघा, मतलब दीक्षा, इन लोगों को कहां पता कि मेरी प्यारी प्यारी बहनों ने आज तक एक मच्छर को भी नहीं मारा। आइकला, आइकला, एक मच्छर तक नहीं मारा इन्होंने और आप लोग इनके ऊपर आरोप लगा रही हैं। इतनी प्यारी प्यारी बहने हैं इनकी, कितनी शरीफ है। देखिए देखिए मेघा जी को, ऊपर से नीचे तक शराफत की मूर्ति। माधुरी दीक्षित मेरी फेवरेट थी। वो दो अरे गिर पड़े भैया जी, आप समझिए ना, अब इन लोगों को तो कॉलोनी में कोई जानता भी नहीं है, अगर कोई जानता होता तो दे भी देते घर। अरे एकदम सच्ची बात, अगर तुम लोगों की कोई गारंटी लेगा तो ही यहाँ पर मकान मिल सकता है, वरना नहीं है। बोलो बोलो कौन लेगा तुम लोगों की गारंटी, बोलो। बोलो नहीं सुनो। कौन है? मैं लेती हूँ गारंटी इन सब की। एक बार मदद की थी इस लड़के ने मेरी, बहुत अच्छा लड़का है ये। जब ये इतना शरीफ है तो उसकी बहनें भी शरीफ ही होंगी ना। अगर ये मोहल्ले में रहेगा तो बच्चों को बालवीर जैसा नेक और शरीफ बना देगा। क्यों? बात में पॉइंट तो है। तो हम वहाँ पहुंचे कैसे? इसमें सस्पेंस तो है। और मैं फुल गारंटी के साथ कहता हूँ कि वो लड़का गड़बड़ है और हमें उसे हमारे मोहल्ले से दूर रखना ही चाहिए। अब जब करुणा देवी जी ने गारंटी ले ही ली है तो हम कौन होते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। ना करुणा जी आए, क्या प्रॉब्लम है? ना ना पड़े। रेवा दे देख, अगर ना किराएदार बढ़ेंगे ना तो नवरात्रि में ना यहाँ चंदा भी ज्यादा मिलेगा और सब सामान सब अपनी दुकान से लेंगे ना। हाँ, अब करुणा जी तुम सबकी गारंटी ले ही रही है तो मैं तुम लोगों को कमरा दिखा दूंगा, लेकिन एडवांस किराया देना पड़ेगा 15,000 रुपए। बोलो मंजूर? 15,000 रुपए? अरे वो अंकल बेहोश हो गए। चलो 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 जल्दी से। अंकल आप ढूंढ दो। अंकल आप अचानक बेहोश कैसे हो गए? बस बेटा ऐसी उम्र में कमजोरी तो आ ही जाती है ना। अंकल मैं आपको ऑटो दिला देता हूँ, तुम सब मेरे अड्डे पे वेट करो, मैं अंकल को ऑटो दिला के आता हूँ। चलिए संभाल के। बहुत ही प्यारे बच्चे हो बेटा तुम। थैंक यू अंकल, अभी पास में ही ऑटो मिल जाएगा। ऑटो ऑटो। बेटा बहुत ही नेक और प्यारे बच्चे हो। थैंक यू अंकल। मैं यहाँ अपने पोते से मिलने आया था पर वो तो घर पे है ही नहीं। ये तुम ही रख लो बेटा। अरे नहीं नहीं अंकल, मैं फ्री में कुछ नहीं लेता। प्रसाद है बेटा, बच्चों की लंबी उम्र की कामना के करके चढ़ाया था। ये लो प्रसाद, को मना नहीं करते। थैंक यू अंकल, संभाल के। हाँ बेटा। लड्डू खा के मरेगा अब उत्तराधिकारी।
नहीं है पैसे। अरे नहीं नहीं है ना पैसे भैया, आप भूल गए, आप ही ने तो मुझे दिए थे रखने के लिए। हाँ दिए थे। लाइए ये लीजिए आपके पैसे। ये तो जूने नोट है, ये नहीं चलते, नया पैसा आएगा तो दो। हाँ हाँ है ना ये वाले नहीं दीदी, मैंने आपको दूसरे बैग में रखवाए थे ना वो। हाँ एक मिनट। ये चिल्लर 15,000 रुपए चिल्लर में देगा, गिनेगा कौन भाई। हाँ हाँ मैंने रखवाए हैं दीदी, वो दूसरे वाले रखवाए थे ना 2,000 की नोट की गड्डी वो। हाँ एक मिनट। ये हुई ना बात। चलो आप लोगों को रूम दिखाता हूँ। चलो चलो बहनों चलो। कहाँ है बालवीर का उत्तराधिकारी? थोड़ी देर में लाश मिल जाएगी उसकी, उसे मारने का इंतजाम कर आया हूं मैं। आओ दोस्तों आओ, विवान की रात में मोती चूर के लड्डू खाओ, ऐश करो ऐश। ना 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 ना, ना। सबसे पहले तो सिर्फ टीम का कैप्टन खाएगा, फिर बाकी के सिविलियंस खाएंगे। अब क्या करें, कैप्टन की इज्जत तो करनी पड़ेगी ना। बच्चों चलो चलो निकलो, ये जगह खाली कर दो क्योंकि इस जगह का नया किराएदार मिल गया है। क्या, तो फिर हम खेलेंगे कहाँ पे? अक्सर खेलने के लिए मैदान इस्तेमाल किया जाता है और घर रहने के लिए। मैं हूं यहाँ का नया किराएदार। हेलो, ये हमारे खेलने का घर है और शायद तुम भूल रहे हो कि किसी के घर में बिना परमिशन के ऐसे एंटर नहीं करना चाहिए। परमिशन की जरूरत मुझे नहीं क्योंकि अब ये घर मेरा है, मैं हूं यहाँ का नया किराएदार। स्वागत है धरती लोक पे भैरानी तिमनासा का। अरे भैराजा,
आपने मुझे वड़ा पाव लाने भेज दिया और जितनी देर में वो तले नहीं उतनी देर में आप बालवीर के उत्तराधिकारी को मार भी आए। भैरानी वड़ा पाव लेंगे आप। काल लोक के भैराजा भवार ने आखिर साबित कर दिया कि वो नकारा निकम्मे निखट्टे नहीं है। वड़ा पाव लेंगे क्या? सबका सबका मुंह बंद कर दिया। भैरानी आप तो मानती हो ना कि भैमार कमाल के है, एकदम कमाल के भैराजा भैमार की। क्यों नहीं तोबा तोबा, ये तो बात तुमने एकदम सही कही। आज जिन हाथों से आपने बालवीर के उत्तराधिकारी को मारा है उन्हें चूमने का मन करता है। लोग कितने भी बड़े हो जाएं, औकात से कभी बड़े नहीं होते। चाल चल के धरती के नए रक्षक बालवीर के उत्तराधिकारी को ढूंढना चाहती हो। उत्तराधिकारी का भविष्य अब भयमार के हाथों में है। रोक सको तो रोक लो भाई रानी। अब परीलोक ही पहुंचाएगा मुझे उत्तराधिकारी तक। तुम यहाँ कैसे रह सकते हो? अरे पूरा भारत मेरा देश है, मैं भारत नगर में क्यों नहीं रह सकता? बोलो नहीं, देखो ये है तुम लोगों का नया घर। कैसा लगा? वाह ये तो बहुत ही सुंदर घर है। सुंदर है लेकिन हमारे खेलने का अड्डा है। अड्डा तब तक था जब यहाँ रहने वाला कोई नहीं था, अब इसके किराएदार मिल गए। अब चलो निकलो, ये जगह खाली करो, निकलो यहाँ से, चलो। फिर हम खेलेंगे कहाँ पर? हाँ और हमारी सीक्रेट मीटिंग्स कहाँ होंगी? वेर मैं तो कहती हूँ हमें यहाँ से निकालने के बजाय ना यहाँ एसी लगवा दो, इट्स टू हॉट इन हियर। हाँ क्यों नहीं। चलो निकलो, चलो यहाँ से, चलो। एक मिनट, इस जगह का सिर्फ एक ही उसूल है, हम यहाँ किसी से कुछ छीनते नहीं है बल्कि जीतते हैं। और अगर तुम्हें ये जगह इतनी पसंद है तो हमसे ये छीनो मत, हमसे जीत के बताओ। मैं तुम्हें एक कबड्डी मैच के लिए चैलेंज करता हूँ और अगर तुम हमें हरा के बताओ तो ये जगह तुम्हारी वरना हमारी। कोई चैलेंज वैलेंज नहीं होता पैसों के मामले में, ये मकान किराए पे चढ़ चुका है। चलो 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 निकलो यहाँ से। एक मिनट, छोटे किसी ने मुझसे कहा है नेक काम की शुरुआत किसी का दिल दुखा कर नहीं करनी चाहिए। किसने कहा है? बालवीर ने। मुझे मंजूर है तुम्हारा चैलेंज, अगर तुम जीते तो ये घर तुम्हारा वरना हमारा।
कोशिश कर लो बालवीर, लेकिन अपनी इस परी को बचाकर नहीं ले जा पाओगे, क्योंकि ये मेरा काल लोक है, तिमनासा का काल लोक, तिमनासा का काल लोक, तिमनासा का काल लोक, तिमनासा का काल लोक। उंगली की कसम बहरानी, बालवीर यहाँ आ गया काल लोक में। आया तो अपनी मर्जी से है, लेकिन जाएगा नहीं। बालवीर, बालवीर मुझे बचाओ, मैं हूँ बालवीर, मेरे पास आओ। यही तुम्हें सुनना चाहती थी। मेरे पास आओ। बालवीर, तुम नहीं बचोगे बालवीर, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। ये तो सब मेरा खेल था भोली सी परी, क्योंकि मैं तो तुम्हारे मुंह से बस ये निकलवाना चाहती थी, आओ मेरे पास। और अब देखो रास्ता खुल चुका है। और अब जब तुमने बुला ही लिया है, आओ मेरे पास, तो तुमने बुलाया और मैं इधर आने चली आई। मजा आ गया। दुनिया में ऐसा कुछ नहीं जो हमारी बहनारी नहीं कर सकती। अब तो मैं बालवीर के उत्तराधिकारी को ढूंढ कर ही रहूंगी। काल लोक से ना सही, परीलोक से ही सही। टेस्टिंग 1 2 3 1 2 3। अरे चल रहा है कि नहीं? स्वागतम, स्वागतम, शुभ स्वागतम। और इसके साथ ही जिस दिन का आप सब मोहल्ले वालों को बेसब्री से इंतजार था, वो आ गया है, बैठे बैठे एंटरटेन होने का दिन। ताली बजाइए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जैसे कि आप देख रहे हैं, कबड्डी मैच के लिए दोनों टीम अभ्यास के लिए मैदान में पहुंच गई है। अब मैं भी पूछता हूं। तू 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 तू। देखो बच्चे, बड़ों से तू तू करके बात नहीं करते, और ये तू 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 के आगे कुछ बोल भी नहीं रहे। क्या तू 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 क्या तू के ऊ आपा पा 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 आपा पा 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 करके बोलूं? मेघा जी, आप भी कितनी भोली है। वो तू 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 नहीं बोल रहा है, वो तू 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 कह रहा है। नहीं, वो कबड्डी को तू 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 भी कहते हैं। ओ, केले का छिलका खाने की चीज नहीं है। वाह कानून जी, आपने तो एक ही बार में दोनों बातें समझा दी, केले वाली भी और कबड्डी वाली भी। कौन? समझ में तो मुझे भी नहीं आया था, मैं नहीं लगी भोली आपको। एक बेटा। नमस्कार, तो इसी के साथ शुरू करते हैं कबड्डी का खेल। एक तरफ है भाई के सुशील, बहनों की टीम जिसमें है छेड़ा जी, शर्मा जी, गिरपड़े जी। गिरपड़े जी का? सॉरी सॉरी, वो तो मैं यही नहीं। और एक तरफ है विवान और उसके बदमाश दोस्तों की टीम। ताली बजने से एक्सरसाइज।
सकती है। चिंटू चिंटी कहाँ पे? हाँ कहाँ पे? Oh God, I hate late covers. कहाँ रह गए वो दोनों? बंटी, जा जल्दी बुला के लाओ उन गोले मुलियों को। मैच शुरू होने वाला है। जा जल्दी जा। मम्मी, हम कबड्डी खेलने के लिए इतने महंगे कपड़े क्यों पहन के जा रहे हैं? अरे बेटा, सब मोहल्ले वाले होंगे वहाँ पर और अच्छा लगेगा कि तुम लोग सस्ते कपड़ों में कबड्डी खेलोगे, इसीलिए बढ़िया है। चलो जाओ, शाबाश। सही टाइम पे पापा, हम कबड्डी खेलने जा रहे हैं, जल्दी से वो मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराइए जो आप हमारे लिए लेने गए थे। अरे बेटा, कहाँ से खिला दूं मिठाई, स्पेशल तुम लोगों के लिए बनवा के लाए थे पहलवान मिठाई वाले से, पर किसी कमबख्त ने मिठाई का डब्बा ही चुरा लिया। हे भगवान, अरे दूसरों को चूना लगाने का काम तो हम करते हैं, ये हमें किसने चूना लगा दिया? हाँ पापा, किसी को पता तो नहीं चल गया कि आप इस मोहल्ले के विलन हो? सवाल ही पैदा नहीं होता। खैर छोड़ो, अब तुम लोग जाओ और टांगे तोड़ दो दो चार की कबड्डी में। जाओ जाओ मेरे शाबाश शेरो। ऑल द बेस्ट। चलिए खेल शुरू करते हैं। एक मिनट अंकल। अंकल अंकल एक मिनट, वो जरा चिंटू चिंटी आ रहे। आ रहे? तो क्यों नहीं आए? ओ बस आ जाएंगे प्लीज। क्यों, खेल शुरू होने से पहले ही फौज डर के भाग गई? फौज डर के भाग भी जाती ना तो तुम सब के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। गिर पड़े जी, जब तक इनकी पूरी टीम नहीं आ जाती हम एक जरूरी काम करके आते हैं। अरे अरे, ऐसा क्या जरूरी काम है? बूंदी का रायता बूंदी में ही मस्त लगता है। नहीं नहीं, वो खेल शुरू होने से पहले हम प्रार्थना करना भूल गए थे, और प्रार्थना करना कितना जरूरी है। वो दादाजी, दादाजी आइए आइए, दादाजी आपको प्रार्थना का महत्व समझाएंगे। दादाजी। गिर पड़े जी, प्रार्थना वो है जिससे हमें संपूर्ण शांति मिलती है। बरोबर। मैं ईश्वर की प्रार्थना की बात कर रहा हूँ, शर्मा जी की बेटी प्रार्थना की नहीं। मैंने कब बोला? अरे प्रार्थना में बात वो होती है। कर लो दादाजी, सगा कर लो। दूधी और तुरिया ऑलमोस्ट सेम दिखते हैं पर है नहीं। लेकिन वो टॉपिक मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा, पहले प्रार्थना। तिमनासा ने मुझे अपने काले जादू से कैद करके रखा हुआ था, बहुत ही मुश्किल से मैं वहां से मौका देखकर भाग पाई हूं बालवीर। लेकिन आपको तो वीरलोक जाना चाहिए था, आप यहां क्या कर रही है? अगर तिमनासा मेरा पीछा करते करते वीरलोक आ जाती तो, और आप लोगों को यह भी तो बताना था कि काल लोक की बुरी शक्तियां पृथ्वी पर आ चुकी हैं। और वो आपके उत्तराधिकारी को मारना चाहते हैं। अब चाहे जो हो जाए, मुझे जल्द से जल्द उत्तराधिकारी तक पहुंचना होगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।